Please subscribe to Kids Zone YouTube channel and don't forget to press the bell icon to never miss an update. Kids Zone Pakistan. मैं एंटेक पे आकर ऐसा तूफान बरसा दूंगा जो पहले कभी किसी ने नहीं देखा होगा। मैं स्टील को अपने कंट्रोल में करके उसकी बॉडी से टर्बो एनर्जी निकाल लूंगा और वो हमेशा मेरा गुलाम बनकर रहेगा। हमें ये जानना है कि ड्रेड कहाँ छुपा हुआ है और मैक्स स्टील उसे जल्द ढूंढ लेंगे। नॉट ने इंटरोगेशन में फोर्ज के किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें बताएगा कि ड्रेड कहाँ है? हाँ बताएगा। थर्बो स्ट्राइक। तो तुम उसे मारने जा रहे हो क्या? एक्चुअली मेरा ऐसा कोई इरादा तो नहीं है। अब सुनो मेरी बात। अगर तुम एंटेक के सर्वेंट हो तो तुम्हें मुझे आराम देना चाहिए। फनी, लेकिन यहाँ कोई मजाक नहीं हो रहा। वक्त बहुत कम है हमारे पास और हमें ये जानना है कि मैकिनो को कैसे रोका जाए और तुम ये मुझे अभी बताओगे। तुम कितने बड़े बहादुर हो ना, एक बंधे हुए शख्स को थ्रेट कर रहे हो। अब तो ठीक है ना, मैं तुम्हारी तरह नहीं और ना ही मैं चीटर हूँ। नाउ अब मेरे सवाल का जवाब दो। ओह रियली? मुझे नहीं मालूम कि मैकिनो को कैसे रोकना है, लेकिन तुम ये लड़ाई चाहते थे। मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे हरा पाओगे। मैकिनो को कैसे रोकना है तुम नहीं जान पाओगे। मुझे खुशी है कि तुम्हें मेरा यकीन नहीं। अब तुम्हारी एरोगेंस ही मुझे आजादी दिलाएगी। मैं जानता हूँ कि हम चाहते थे कि नॉट फरार हो जाए, लेकिन क्या उससे तुम्हें मार कर ही फरार होना जरूरी था क्या? नो, मैंने अपने स्ट्रेंथ मोड में इत्तेफाक से दीवार पे पंच कर दिया और उसने फायदा उठाकर मुझे ही मार दिया। आखिरकार उसने तुम्हें शिकस्त दे ही दी। वाह, शायद इस प्लान ने कुछ काम नहीं किया। अब मुझे ड्रेड के छुपाए हुए जहाज को ढूंढना है। लेकिन ये प्लान के हिसाब से जा रहा है। गो टर्बो स्टेल्थ। हम इससे थोड़ा फासले पर रहेंगे और ये हमें ट्रैक तक ले जाएगा। ड्रेड पानी के अंदर छुपा हुआ है। हाँ चलो स्विमिंग हो जाए। मुझे मालूम है कि हमारे पास वाहिद रास्ता स्कूबा मोडी है, लेकिन ड्रेड हमें आते हुए देख लेगा। वेल, हो सकता है कि हमें इससे कोई फायदा हो जाए। क्या ख्याल है स्टील? इससे पहले कि हम अंदर जाएं, मैं चाहता हूँ कि तुम बर्टो के इस होलो प्रोजेक्टर को स्कैन करो। मैं वहाँ से फरार हो गया और अब मुझे एंटेक बेस की जगह भी मालूम है और वो भी एक बेवकूफ। क्या तुमने मुझसे कुछ नहीं सीखा? तुम्हारा कोई कमाल नहीं है, वो तुम्हारा पीछा करते करते यहाँ तक आ गए। लेकिन मेरे पीछे तो कोई नहीं था। क्या? मुझे माफ कर दें। खुशकिस्मती से मैंने अपनी शील्ड्स और वेपन्स को फैला दिया था, क्योंकि मैंने अटैक पे अटैक करने और मैक्स स्टील को पकड़ने का प्लान बनाया था। लेकिन मास्टर, मैक्स स्टील तो खुद यहाँ आ रहा है। यस, एंटेक फोर्स के साथ, जानता हूँ। नहीं, देखिए, एंटेक शहर को खाली कर रहा है और मैक्स स्टील यहाँ है। यानी मैक्स स्टील टर्बो स्टार के लिए आया है, वो भी बगैर बैकअप के। मुझे मैक्स स्टील हर हाल में जिंदा चाहिए।